हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज हम देखेंगे ये क्रोशिया से किस तरह से आप एक लेडीज कैप या स्कार्फ बना सकते हो। इंडियन स्टाइल ऑफ क्रोशिया स्कार्फ, बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि क्रोशिया से एक स्कार्फ बनाया जाए। इसी मेथड में, इसी पैटर्न में मैंने निटिंग में भी एक कैप बनाया हुआ है। तो क्रोशिया में बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे फ्रेंड्स चाह रहे थे कि एक क्रोशिया से बनाया जाए। तो ये मैंने कुछ ट्राई किया है, अडल्ट साइज में एक क्रोशिया से स्कार्फ बनाया हुआ है इंडियन स्टाइल पे। तो ये पैटर्न मैंने डाला हुआ है, ये यहाँ पे वीडियो के एंड में आप छोटे या बड़ा साइज में किस तरह से आप ये बना सकते हो वो भी मैं एंड में वीडियो में बता रही हूँ। तो एंड तक ये वीडियो देखते रहिएगा, शायद आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ये आपको डिजाइन कुछ इस तरह से दिखेगा, फ्रंट साइड में ये कान के पट्टी के इस तरह से आपको दिखेगा। एंड ये फ्रंट साइड बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है, इसके बदले में आप प्लेन भी कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका बैक साइड आपको कुछ इस तरह से है। एंड इसमें कितना ऊन लगता है मैं आपको एक में बताती हूँ। का वेट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने, कितना ऊन लगेगा तो आप वो देख के अपने हिसाब से आप बना सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ये ब्यूटीफुल से इंडियन स्टाइल ऑफ क्रोशिया से किस तरह से स्कार्फ बनाएंगे, लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर 4 क्रोशिया हुक या 2.5 mm का क्रोशिया हुक लिया है, 4 नंबर या 2.5 mm क्रोशिया हुक। एंड यहाँ पे ओसवाल का 2-ply का ऊन लिया है, थोड़ा मोटा ऊन है फिर भी मैं यहाँ पे 2.5 mm का हुक लिया है। इससे थोड़ा सा टेक्सचर अच्छा से आता है। बहुत ज्यादा मोटा अगर आप लोगे हुक तो लूज लूज आ जाता है, तो इसके लिए मैं प्रिफर कर रही हूँ 2.5 या 3 mm भी आप ले सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे इसे एक स्लिप नॉट बना लेते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो क्रोशिया में सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे सारे बेसिक स्टिचेस के ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप थरोली है। अगर आप बेसिक स्टिचेस सारे देख लोगे एक बार तो आपको ग्रिप अच्छे से आ जाएगा, प्रैक्टिस करने करिए। एंड लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैंने एक लूप क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 अराउंड ये 1 इंच तक ये पट्टी बनती रहेगी। ये पट्टी बना रहे हैं हम। ये 5 चेन्स लेने के बाद हम 2 चेन्स एक्स्ट्रा लेंगे, टोटल 7 चेन हो गए। बेस के लिए 5 चेन्स और 2 एक्स्ट्रा हाइट इंक्रीज कर लिए। एंड अब हम लूप को छोड़ के 1, 2, 3 3 चेन्स छोड़ के हम 4th चेन में, पहले हमने 5 चेन्स डाले एंड एक्स्ट्रा 2 चेन्स डाले हैं हमने हाइट इंक्रीज करने के लिए। अब लूप छोड़ के 1, 2, 3, 4th, मैं दोबारा बोल रही हूँ इसलिए क्लियर के लिए। तो ये 4th चेन में हम हुक को इस तरह से उनको लेके रैप करके 4th चेन में हम इस तरह से ऊन लेंगे और 1st 2 स्टिच एंड next 2 स्टिच, ये डबल क्रोशिया कहते हैं। अगेन नेक्स्ट चेन में उनको लपेटा और नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उनको लिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर उनको रैप किया एंड नेक्स्ट चेन में। इस तरह से हमारे पास अब 5 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। अब हम यहाँ पे फिनिशिंग एक ट्रिक है, यहाँ पे अब 3 चेन लेके इस तरह से टर्न करके नेक्स्ट आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताती हूँ, जैसे कि आपको प्लेन एज मिलेगा, यहाँ पे आप 1 चेन लीजिए, टर्न, अब हुक को छोड़ के 1, 2, जो सेकेंड चेन है हुक को छोड़ के 1 एंड 2, सेकेंड चेन में हम डबल क्रोशिया डालेंगे। ये हमारा 1st डबल क्रोशिया होगा। ये चेन 1 लेके टर्न करने से एज काफी अच्छे से स्मूथ फिनिश होता है, राउंड राउंड एज नहीं मिलेगा। ये एक ट्रिक है क्रोशिया का, डबल क्रोशिया का जो रोज बनाते हो एजेस नीट आने के लिए। तो हर एक डबल क्रोशिया में हम इसी तरह से, रो में हम इसी तरह से करेंगे एंड लास्ट डबल क्रोशिया के टॉप ऑफ द चेन में हम 1 डबल क्रोशिया करेंगे,
फिर चेन वन टर्न, हुक को छोड़ के वन टू, सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से ये पट्टी आपको जितना लंबा चाहिए उतना लंबा हम ये पट्टी बनाते जाएंगे। बड़ों के लिए या किसी के लिए भी ये पैटर्न आप बना सकते हो, सेम वे में प्रोसीजर सेम रहेगा। हर बार ये 5 डबल क्रोशिया होने चाहिए। देखिए ये 1 2 3 4 5, इस तरह से हर बार आपको 5 ही डबल क्रोशिया रिपीट करते जाइएगा। इसी तरह रिपीट करते हुए अराउंड, मैंने अडल्ट के लिए कैप बना रही हूँ तो ये 11 इंच तक, अराउंड 11 इंच तक मैंने ये डोरी बनाई हुई है। ये पट्टी 11 इंच तक बन गया है। आप ये एज देख सकते हो, ये इस तरह से राउंड राउंड एजेस नहीं है, एकदम प्लेन में आया हुआ है, इसी तरह आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट इंक्रीज करेंगे। अगेन यहाँ पे हम चेन वन टर्न कर लिया, अब जो लूप को छोड़ के 1 2, सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमें इंक्रीज करना है, सेम उसी चेन में हम और एक डबल क्रोशिया करेंगे। तो सेम चेन में हमने 2 किया, 2 डबल क्रोशिया डाला, अगेन नेक्स्ट चेन में अगेन 2 डबल क्रोशिया, 1 हो गए, और उसी चेन में 2, अगेन नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया डाल रहे, मतलब 5 डबल क्रोशिया थे तो हर एक में हमने डबल डबल डाला, तो अब ये 10 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इस तरह से बढ़ गया है, अब 2 4 6 8 10, तो इस तरह से 10 डबल क्रोशिया हो गया। अब चेन 1 लेंगे एंड हम टर्न करेंगे, और सेकेंड चेन में हम अगेन डबल क्रोशिया। अब रो में हम हर एक चेन में एक एक ही डबल क्रोशिया डाल रहे हैं, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया। एंड तक हम ऐसे ही करेंगे। यहां हमने डबल क्रोशिया किया एक हर एक लाइन में, रो थर्ड, फिर चेन वन लेके टर्न किया, फिर सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया, एंड उसी चेन में 2, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो 1 2 1 2 किया है हमने अब इस रो पे। हमें सडन, अगर हर रो पे आप इंक्रीज करोगे तो बहुत ज्यादा वाइड बन जाएगा, तो वो नहीं चाहिए हमें, ग्रेजुअल इंक्रीज चाहिए। तो लास्ट में हमें एक में 2 डबल क्रोशिया डालने हैं लास्ट चेन में। जैसे आपका पैटर्न आप देखिए, इस तरह से ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। फिर चेन वन और सेकेंड हुक को छोड़ के 1 2, सेकेंड चेन में ही आपको हर बार डबल क्रोशिया डालना है। एक रो में आप बढ़ाना है, नेक्स्ट रो में नहीं बढ़ाना, हर एक चेन में एक एक ही डबल क्रोशिया डालते जाना है। इस में एवरी चेन के ऊपर, हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया करना है, यहाँ पे बढ़ाना नहीं है। तो ये पूरा इस तरह से हम पूरा प्लेन एक एक क्रोशिया डाल लूंगी डबल क्रोशिया। फिर हमने एक चेन लिया, टर्न किया, फिर सेकेंड रो में एक डबल क्रोशिया करेंगे। इस रो पे हमें अगेन इंक्रीज करना है, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। अगेन यहाँ पे हम हर अल्टरनेट एक के बाद हम बढ़ाएंगे, इधर इस बार भी
अगेन नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक, और एक बार हम एक दो कर रहे हैं इधर, एक डबल क्रोशिया नेक्स्ट चेन में, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया। हमने ये दोबारा सेम वे में बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हमने हर दो हर एक में दो दो डाला था, फिर प्लेन, एक दो किया, फिर प्लेन, फिर हम एक दो कर रहे हैं। ये रो हम ऐसे करेंगे और नेक्स्ट रो हमने प्लेन। अब हम सिक्स रो पे हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे हमने अगेन एक दो करके बढ़ाया था, एंड फिर यहाँ पे मैंने कंप्लीट प्लेन एक बार कंप्लीट कर लिया है। फिर हम एक चैन लेंगे और सेकेंड चैन पे हम डबल क्रोशिया करेंगे एक, अगेन यहाँ पे सेम थर्ड टाइम हम सेम टाइप से बढ़ा रहे हैं, 1 2। अगेन यहाँ पे भी हमें एक दो ही करेंगे। अगर आप यहाँ पे ग्रेजुअल या इमीडिएट बढ़ाओगे तो बहुत ज्यादा रिंकल जैसा आ जाएगा। हमें कंप्लीट जैसे कि ईयर का जो पार्ट है यहाँ तक पट्टी आनी चाहिए, यहाँ से स्लोली यहाँ तक पट्टी आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्लोली इंक्रीज करते हुए जाएंगे और यहाँ तक हमें ये ट्रायंगल शेप आना चाहिए, जहाँ तक आपका आईब्रो का मिड पार्ट आता है, जहाँ तक आप बढ़ाना चाहते हो यहाँ तक आप बढ़ा सकते हो। तो एटलीस्ट आपको आईब्रो के एंड या आईब्रो के मिड एरिया तक आपको इस एरिया तक आपको यहाँ से यहाँ तक आने तक बढ़ाना है। तो यहाँ पे भी हम एक दो करेंगे, नेक्स्ट चेन पे दो डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे एक। इसी तरह से इस बार भी हम टोटल अभी थर्ड टाइम हमने इस तरह से दो एक कर रहे हैं। तो इसके बाद अगेन हम एक बार प्लेन रो कर लूंगी। थर्ड टाइम हमने यहाँ पे बढ़ा के एक प्लेन रो कंप्लीट कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज मैंने यहाँ कंप्लीट कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो 8 रोज कंप्लीट किया है। अब रो नंबर 9, अगेन चैन 1 एंड टर्न, एक सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, अगेन यहाँ पे नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डालेंगे, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया डालेंगे, 1 एंड उसी चेन में 2, 2 1 1 2 1 1 2। इस बार हम 1 1 2 इस तरह से जाएगा ये, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया एंड नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, 1 एंड उसी चेन में 2। इस तरह से हम 1 1 2 1 1 2 ये कंटिन्यू होगा एंड नेक्स्ट रो प्लेन डबल क्रोशिया का लाइन होगा। अब हमने यहाँ पे 1 1 2 1 1 2 इस तरह से इंक्रीज करके नेक्स्ट प्लेन रो भी कंप्लीट कर लिया है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज कंप्लीट हो गए हैं, इतना हो गया है। अब नेक्स्ट हम चेन 1 फिर पलट लेंगे, सेकेंड चेन में हम डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हर यहाँ पे 1 1 1 या 3 टाइम्स हमने डबल क्रोशिया डाला और उसके बाद 2 डाले हैं, या अब इसी तरह से 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, इस 3 बार हमने डाला और फोर्थ चेन में हम 2 डबल क्रोशिया, हर 3 के बाद हम 2 डालेंगे। अब ग्रेजुअली इस तरह से यहाँ पे हमने हर एक एक दो करके किया था, यहाँ पे हम एक 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 दो एक 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 दो इस तरह से ये कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट राउंड हम प्लेन बनाए कंप्लीट करेंगे, प्लेन रो का, प्लेन डबल क्रोशिया का एक। अब यहाँ पे 12 रोज हमने कंप्लीट कर लिया है, आप अपने हिसाब से लेंथ कंप्लीट कीजिएगा। चेन 1 एंड अगेन सेकेंड हुक में हमने एक डबल क्रोशिया किया, 1 टाइम, ये नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया,
नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, तीन टाइम हो गया एंड नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया। अब हमने चार सिंगल डबल क्रोशिया डाले, 1 2 3 4, हर चार के बाद हम दो डबल क्रोशिया डालेंगे, एक ही हर चार के बाद एक दो डबल क्रोशिया। फिर हम नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया डाल रहे हैं हम, नेक्स्ट चेन में एक, चार बार हमने डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट चेन में दो डबल क्रोशिया। इसी तरह हम ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे एंड नेक्स्ट रो प्लेन रो। अब यहाँ पे चार के बाद ए दो दो करते हुए, चार दो करते हुए हमने एक रो कंप्लीट करके यहाँ पे प्लेन किया है। टोटल 14 रोज यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14 रोज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ये जो हेड का सर्कमफेरेंस मैंने बोला था तो यहाँ से लेकर यहाँ तक होना चाहिए। ये अडल्ट के लिए, किसी के लिए भी बनाओ आप यहाँ से यहाँ तक। अगर आप बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो यहाँ यहाँ इस स्टेज पे आप आके स्टॉप कर सकते हो। एक नॉर्मल लेडी के लिए ये यहाँ से लेकर यहाँ होने तक आप कंटिन्यू कीजिए इसी तरह बढ़ाते हुए। अंदाजे से यहाँ से हम अगर मेजर करेंगे तो यहाँ से लेकर इस पार्ट तक अराउंड 10 इंच, अगर हम राउंड से लेंगे तो 10 to 11 इंच तक ये डायग्राम हो गया है। तो इस तरह से कर्व होने के बाद अब हम बढ़ाना बंद करेंगे। इसके बाद आप जहां से हमने स्टॉप किया था इस पार्ट से लेकर नेक्स्ट इस पार्ट तक हमें जस्ट प्लेन बुनाई करनी है। जस्ट आप डबल कलर का एक डबल क्रोशिया का ही आप लाइन करते जाइएगा, जस्ट प्लेन बुनाई यहाँ बढ़ाना नहीं है। यहाँ से लेकर इस पार्ट तक आने तक आप जस्ट प्लेन बुनाई करते जाइए। आप चाहे तो कोई भी टेक्सचर भी डाल सकते हो, आप चाहे तो प्लेन भी कर सकते हो। एक रंग या दो रंग से डबल क्रोशिया का लाइन, यहाँ पे मैं एक पैटर्न डालूंगी तो पैटर्न के लिए एक डबल क्रोशिया लिया और टर्न करेंगे। यहाँ पे 61 डबल क्रोशिया है, ये जो बेस में 61 डबल क्रोशिया है। तो अब चेन वन लेके हम इसको पलट लेंगे, टर्न कर लिया चेन वन लेके। अब हुक को छोड़ के सेकेंड लूप में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया ये फर्स्ट चेन के ऊपर। एंड नेक्स्ट जो है नेक्स्ट डबल क्रोशिया पे हम एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे एंड नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर के चेन पे एक प्लेन डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट एक फ्रंट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन पे एक डबल क्रोशिया, इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे एंड नेक्स्ट के ऊपर प्लेन, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम ये पैटर्न करते जाएंगे एंड तक। यहाँ पे पैटर्न इसी तरह से एक फ्रंट पोस्ट और एक नॉर्मल डबल क्रोशिया डालते हुए ये रो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पैटर्न का रो वन कंप्लीट हो गया है। चेन वन लेके टर्न करेंगे, अब लूप को छोड़ के सेकेंड हुक में हम एक सिंगल क्रोशिया का लाइन करेंगे। ये सिंगल क्रोशिया मतलब हुक को सीधा नेक्स्ट सेकेंड चेन में इंसर्ट करेंगे और ऊन को लिया और उसको इस तरह से लिया, एक नेक्स्ट चेन में एक, नेक्स्ट चेन में एक, इस तरह से हर एक। ये रो नंबर टू है पैटर्न का, रो टू हर एक चेन में हम ये डबल क्रोशिया का एक लाइन डालते जाएंगे, सॉरी सिंगल क्रोशिया का हर एक चेन में ये सिंगल क्रोशिया का ये पूरा लाइन ऐसे ही जाएगा। अब रो टू सिंगल क्रोशिया का लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चेन वन एंड टर्न कर लेंगे। चेन वन टर्न करने के बाद हुक को छोड़ के 1 2 सेकेंड लूप में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे,
एक डबल क्रोशिया डाला पैटर्न का, ये थर्ड रो चल रहा है, ये हमने एक डबल क्रोशिया डाला फर्स्ट स्टिच। अब जो हमें नेक्स्ट स्टिच है, जो यहाँ पे आपको फ्रंट पोस्ट दिख रहा है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट ही रखेंगे, सॉरी फ्रंट पोस्ट अल्टरनेट करना है। तो जो फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर के चेन के ऊपर हम प्लेन डबल क्रोशिया कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चेन है, यहाँ पे नॉर्मल डबल क्रोशिया था, उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डालेंगे इस तरह से। जैसे मैं कह रही हूँ, आप फॉलो करते जाइएगा, एक बार स्टार्ट करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा, थोड़ा सा लूज ले लीजिएगा। एंड नेक्स्ट इसके पीछे का जो गैप है वो चेन गैप रहेगा। एंड उसके नेक्स्ट स्टिच अगेन फ्रंट पोस्ट आ रहा है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर जो चेन आता है उसको सिंपल डबल क्रोशिया करेंगे। उसके नेक्स्ट जो अंदर है नॉर्मल डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डालेंगे, मतलब अल्टरनेट हम डालते जाएंगे। यहाँ में फर्स्ट हमने एक फ्रंट पोस्ट एंड एक प्लेन, फ्रंट पोस्ट प्लेन डाला एंड उसके बाद हमने पूरा एक सिंगल क्रोशिया किया। फिर यहाँ पे हम एक चेन लेने के बाद जो फ्रंट पोस्ट था उसके ऊपर हम प्लेन डालेंगे, जो प्लेन था प्लेन के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डालेंगे। इस तरह से एक टेक्सचर क्रिएट होगा। तो इसी तरह से हमें कंटिन्यू करते जाना है। और इसके ध्यान में रहिए कि ये यहाँ पे डाला है, इसको हमें गैप करना है, नेक्स्ट चेन इसके ऊपर जो फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हमें प्लेन डालना है। एक प्लेन हो गया, फिर नेक्स्ट गैप करेंगे, नेक्स्ट चेन के जो है यहाँ पे हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये फ्रंट पोस्ट हो गया, नेक्स्ट यहाँ पे नीचे फ्रंट पोस्ट है उसके ऊपर हम प्लेन डालेंगे। तो अल्टरनेट आपको आई थिंक समझ में आ गया है, ट्राई जरूर कीजिएगा इस स्ट्रक्चर को, इस पैटर्न को। अगेन ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमने प्लेन डाला है, इसके नेक्स्ट स्टिच जो प्लेन है प्लेन के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट डालेंगे। तो यही आपको रिपीट करते हुए जाना है रो नंबर 3, रो नंबर 4 अगेन आपको प्लेन, ये इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए जाएंगे हम। अगेन देखिए इसके ऊपर हम प्लेन डालेंगे एंड जो प्लेन है प्लेन डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट डालेंगे। तो ये रो इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे हम। ये रो 3 कंप्लीट कर लिया है, अगेन चेन 1 एंड रो 4 पैटर्न का हुक को छोड़ के 1, 2 सेकेंड चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे और हर एक चेन में हम रो 4 में डबल क्रोशिया करते जाएंगे। इसी 4 रोज को आप रिपीट करते जाइएगा। बेस एक बार सेट कर देंगे तो आपको आगे आसानी होगी। जिसके डबल क्रोशिया है, जो डबल क्रोशिया के ऊपर आपको नेक्स्ट 3 रो में फ्रंट पोस्ट डालना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर आपको 3 रो में प्लेन डालना है। जस्ट अल्टरनेट करते जाइएगा, बहुत आसान है। एंड ये अगर आप ये पैटर्न नहीं डालना चाहते हैं तो भी आपके पसंद का पैटर्न डालिए, या आप बिगिनर हो तो जस्ट एक कलर या डबल कलर में आप जस्ट डबल क्रोशिया का रोज डालते जाइएगा। लेंथ आपका जो इतना लेंथ कंप्लीट होने तक बाद में हम घटाना स्टार्ट करेंगे। अब ये इस तरह से पैटर्न आपको कंप्लीट होने के बाद दिखेगा। इसका मेजरमेंट आपको मैं बताती हूँ। यहाँ से जहाँ हमने ये पैटर्न स्टार्ट किया था, यहाँ से लेकर यहाँ तक अराउंड 8 इंच तक, 8.5 इंच तक ये पैटर्न बना हुआ है। आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटे के हिसाब से आप कर सकते हो। एंड जैसे अब हम यहाँ पे पैटर्न का रो कंप्लीट होने के बाद जब हम पैटर्न कंप्लीट कर लेते हैं तो ये रॉन्ग साइड में हमें सिंगल क्रोशिया का लाइन नहीं करना है। सिंगल क्रोशिया के बदले में आप एक रो कंप्लीट, यहाँ पे जो हमने डबल क्रोशिया का एक लाइन किया था वो हमने स्टार्ट किया है। एंड इसके बाद हम घटाना शुरू करेंगे, जहाँ हमने एंड पे लास्ट जैसे हमने 4 सिंगल क्रोशिया एंड 4 डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 4 2 4 2 जैसे हमने किया था, उसके बाद हमने एक डबल क्रोशिया का लाइन किया था, वही डबल क्रोशिया का लाइन
ये हो गया। अब इसके बाद हम घटाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़ाया था, इसका मैं आपको एक बार फिगर दिखा देती हूँ, चाहे तो आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो। हर दो के बाद हमने एक एक बनाया, अब एक दो करके हमने तीन टाइम बनाया, हर एक दो बार एक प्लेन रो एंड अगेन एक दो करके एंड फिर एक रो कंप्लीट प्लेन डबल क्रोशिया का, इस तरह से तीन टाइम हमें रिपीट किया, फिर एक एक दो करके एक रो एंड उसके प्लेन, उसके बाद एक प्लेन रो एंड एक 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 दो करके फिर उसके बाद एक प्लेन रो एंड चार बार एक डबल क्रोशिया डाला, एक 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 करके फिर दो, इस तरह से हमने करके टोटल यहाँ से यहाँ तक 14 रोज कंप्लीट हुए थे। तो इसी तरह से डिक्रीज करते हुए हमें 14 रोज वापस 5 स्टिच बचने तक हमें करना है। तो यहाँ पे हमने लास्ट इंक्रीज किया था, हर चार के बाद हमने दो डाले थे डबल क्रोशा, तो यहाँ पे हम घटाई भी वैसे ही करेंगे, हर चार डबल क्रोशा के बाद दो का एक करना है। तो यहाँ पे डबल क्रोशा का लाइन एंड हो गया, तो एक चेन लेके हमने पलट लिया और यहाँ पे एक डबल क्रोशा डालेंगे हुक को छोड़ के सेकेंड चेन पे। आप फिर एक बार मैं दिखाती हूँ, ये हुक के लूप छोड़ के वन एंड टू सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, वन टू थ्री एंड फोर, ये फोर डबल क्रोशिया हो गया। आप ये पैटर्न देख सकते हो, पैटर्न आप चाहे तो यही पैटर्न डाल सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक पैटर्न है ये, बेबी ब्लैक एंड के लिए भी ये परफेक्ट रहेगा। तो इस तरह से एंड ये रॉन्ग साइड आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, ये फ्रंट साइड है। चार हमने डबल क्रोशिया डाला, अब हम इन दो स्टिचेस को एक करना है, तो इसके लिए डबल क्रोशिया टू टुगेदर करना है, इसके लिए मैं अब एक बार लपेटा और नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से डाला और फर्स्ट टू लूप्स को ले लिया, फिर उनको लिया। अब नेक्स्ट जो स्टिच है यहाँ पे हम डालेंगे नेक्स्ट चेन पे और इस तरह से लिया, फर्स्ट टू स्टिच को ले लेंगे। अब तीन है लूप्स, इन तीनों स्टिचेस में हम एक बार ले लेंगे, तो यहाँ पे हमने दो स्टिच को मिला के एक कर दिया, इसको डिक्रीज डबल क्रोशिया डिक्रीज कहते हैं। एंड यहाँ पे अगेन हम फोर डबल क्रोशिया करेंगे, वन टू नेक्स्ट चेन में थ्री नेक्स्ट चेन में एक फोर, इस तरह से फोर डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम फोर डबल क्रोशिया होने के बाद फिर एक बार घटाएंगे, दो का एक करेंगे, एक बार इस तरह से दो स्टिचेस में से लिया, फिर एक बार ऊन लपेटा, फिर नेक्स्ट चेन में डालेंगे इस तरह से, फर्स्ट टू लूप्स को हम निकालेंगे, तो यहाँ पे तीन स्टिच बचते हैं, तो इस तरह से दो का एक कर लिया। फिर हम फोर डबल क्रोशिया डालेंगे, वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोशिया डाला, फिर हम नेक्स्ट चेन दो स्टिचेस को एक करेंगे, इस तरह से लिया, दो का एक किया, फिर उन नेक्स्ट लपेटा यार्न ओवर करके, फिर इस तरह से नेक्स्ट चेन में लिया और फर्स्ट टू लूप्स को निकाला, तीन स्टिच बचे हैं, अब दो का एक, इस तरह से ये स्टिच दो का एक बनते जाते हैं। ये रो इसी तरह से हर फोर डबल क्रोशिया के बाद दो का एक करते जाएंगे एंड नेक्स्ट रो फिर एक बार पूरा प्लेन डबल क्रोशिया का लाइन कंप्लीट करेंगे। हर चार के बाद हमने दो का एक करते हुए एक बार घटाया एंड उसके बाद एक रो प्लेन कंप्लीट डबल क्रोशिया का एक रो कंप्लीट कर लिया है, फिर चेन वन, फिर टर्न कर लिया। अब यहाँ पे हुक के छोड़ के सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, एक नेक्स्ट चेन में एक दो हो गए, नेक्स्ट चेन में एक तीन, तीन डबल क्रोशिया के बाद हम दो का एक करेंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा, इस तरह से डबल क्रोशिया को आधा किया एंड नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया को आधा किया एंड इन तीनों लूप को एक बार दो का एक कर लिया। इस रो को अगेन हम तीन डबल क्रोशिया करेंगे, वन नेक्स्ट चेन में एक, ये सेकेंड हो गया, नेक्स्ट चेन में एक थर्ड, थर्ड डबल क्रोशिया हो गया। अब थर्ड डबल क्रोशिया के बाद अगेन हमें दो का एक करना है, ये हाफ कर लिया एंड नेक्स्ट चेन में एक बार
दो का एक कर लिया, इन दोनों को मिला के एक। इसी तरह से हम हर तीन के बाद घटाएंगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। यहाँ हमने हर तीन के बाद एक बार घटाएंगे, इसी तरह से सेम अगेन प्लेन एक रो होगा, उसके बाद हम हर दो के बाद एक बार घटाएंगे, फिर नेक्स्ट प्लेन होगा, नेक्स्ट हर एक स्टिच के बाद एक एक डबल क्रोशिया एंड दो का एक करेंगे, एक डबल क्रोशिया एक दो का एक, इस तरह से, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशिया आएगा, इस तरह से वो हर एक के बाद जैसे हमने डबल क्रोशिया घटाया था एक एक स्टिच के बाद, वो तीन टाइम जैसे हमने वन टू तीन टाइम किया था, इसी तरह से हम वन ऑन डबल क्रोशिया के बाद हम घटाया ना तीन टाइम करेंगे। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, हर तीन के बाद घटाने के बाद एक रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगेन एक रो प्लेन का होने के बाद अगेन हम टर्न करेंगे एक चेन लेके, फिर चक्के हुक से लेकर सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया हो गए। अब हम यहाँ पे दो का एक करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट चेन में एक बार हाफ डबल क्रोशिया का हाफ डालेंगे एंड यहाँ पे तीन हो गए, ये दो का एक हो गया, अगेन यही रिपीट करना है, टू डबल क्रोशिया यहाँ पे एक और नेक्स्ट चेन में एक, दो डबल क्रोशिया हो गए। अब नेक्स्ट चेन में हम इस तरह से यहाँ पे लिया और दो में से लिया और नेक्स्ट चेन में एक बार, इसी तरह से हर दो डबल क्रोशिया के बाद दो का एक करते हुए जाएंगे, फिर नेक्स्ट रो कंप्लीट प्लेन जाएगा। हर दो के बाद दो का एक करने के बाद एक रो कंप्लीट प्लेन हमने कर लिया है, फिर चेन वन एंड टर्न करेंगे, फिर हुक से सेकेंड चेन पे हम हुक को छोड़ के वन टू सेकेंड चेन में हम एक डबल क्रोशिया डाला, वन एक डबल क्रोशिया हो गया। अब दो का एक करेंगे इस तरह से, अगेन डबल क्रोशिया लेंगे, नेक्स्ट चेन में हाफ करेंगे, डबल क्रोशिया कंप्लीट नहीं करेंगे, तो तीन हो गए, यहाँ पे दो का एक हो गया, फिर वन चेन डालेंगे, वन डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे दो का एक डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट किया, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया टू लूप्स लिए, फिर यहाँ पे दो का एक किया, इस तरह से हम हर एक एक डबल क्रोशिया और दो का एक, एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट दो का एक करेंगे, डिक्रीज करते होंगे, टू टुगेदर डबल क्रोशिया, टू टुगेदर वन, टू टुगेदर वन, टू टुगेदर, इस तरह से फिर एक बार प्लेन बनेगा, यही रोज अगेन, फिर यही हमें दो बार रिपीट करेंगे, एक दो का एक, एक दो का एक, इस तरह से एंड बीच में एक प्लेन रो आएगा, तो मैं कंप्लीट कर लूंगी। हर एक के बाद हमने दो का एक करते हुए तीन टाइम्स हमने टोटल छह रोज कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हमने प्लेन रो भी कंप्लीट कर लिया, छह रोज हो गए हैं, वापस हमारे पास 10 डबल क्रोशिया स्टिच बच गए। अगर आपके पास एक दो ज्यादा कम भी हो गए तो आप घटा लीजिए, नो प्रॉब्लम, बुनते वक्त अगर उल्टा हो गया तो भी। अगर अगेन हम यहाँ पे एक चेन लेके डबल टर्न करेंगे और सेकेंड हुक पे, हुक से सेकेंड चेन पे हम डबल क्रोशिया लेंगे, यहाँ पे दो का एक करते जाएंगे। इसके लिए हमें टर्न करने के बाद जो फर्स्ट टू स्टिच है उसे हमें घटाना है, तो उनको लिया हुक को छोड़ के वन टू टू सेकेंड स्टिच पे हमने इस तरह से लिया और फर्स्ट टू स्टिच को हमने बाहर ले लिया। इसको कंप्लीट नहीं करेंगे हम, क्योंकि हमें हर दो स्टिचेस को एक एक करके 10 का 5 स्टिचेस करना है हमें, तो यहाँ पे इस तरह से डबल उनको हुक के ऊपर लेके नेक्स्ट चेन में लेंगे इस तरह से, फिर दो का एक लिया और इन दोनों को मिला के एक कर लेंगे। इसी तरह से हम 10 के स्टिचेस को 5 में घटाएंगे, नेक्स्ट टू स्टिचेस को टू टुगेदर डबल क्रोशिया, टू टुगेदर इस तरह से लिया एंड नेक्स्ट चेन में इस तरह से लिया और ये हो गया एंड अगेन इस तरह से हर दो स्टिचेस को। थोड़ा मैं फास्ट करूंगी अब,
टोटल 10 स्टिचेस के हमारे पास अब अगेन 5 स्टिचेस तक ग्रेजुअली डिक्रीज होके बच जाते हैं। हो जाते हैं यहाँ पे आप देख रहे थे 1 2 3 4 5 हो गए हैं। अब अगेन चेन लेके हमने टर्न कर लिया। टर्न करने के बाद फर्स्ट हुक को छोड़ के सेकेंड में हम 5 डबल क्रोशिया डालेंगे। 1 2 3 4 5 5 हमने डबल क्रोशिया कर लिया। अगेन ये हमारे पास बेस के पट्टी के 5 स्टिचेस वापस आ गए हैं। तो अब हम इसी तरह से पट्टी जितना लंबा चाहे उतना पट्टी हम बना लेंगे। तो हमारा ये लेडीज इंडियन स्टाइल कैप या स्कार्फ रेडी हो गया है। तो मैं ये पट्टी डिजायर्ड लेंथ तक मैं कंप्लीट कर लूंगी। तो ये पट्टी हमें कंटिन्यू करते हुए जाना है। तो अब ये इंडियन स्टाइल का लेडीज कैप रेडी हो गया है। अब अगर आप ये अडल्ट लेडीज साइज का है, नॉर्मल लेडीज के लिए ये फिट हो जाएगा, टीनेजर से लेकर ओल्ड लेडीज तक ये परफेक्ट हो जाएगा साइज। अगर आप छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हो, 5 डबल क्रोशिया के जगह पे आप 3 डबल क्रोशिया 3+2 इस तरह से आप चेन डाल के स्टार्ट कीजिएगा। 3 ही डबल क्रोशिया से ये पट्टी स्टार्ट होना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए बनाना चाहते हो तो बड़ों के लिए 5 या 6 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बड़ों के लिए परफेक्ट है। आपको मैं इसका विड्थ और लेंथ मेजर करके मैं बताती हूँ। यहाँ से यहाँ तक इस पट्टी से लेकर इस पट्टी तक यहाँ पे 13 इंच तक ये विड्थ आ रहा है। एंड यहाँ से लेकर लंबाई में ये टोटल यहाँ से 20 इंच तक ये लंबाई आ रही है। तो ये जो मिडिल का पट्टी है यहाँ से यहाँ तक जो बढ़ाने के बाद ये अराउंड 8 इंच तक मैंने ये डिजाइन डाला हुआ है। ये ब्यूटीफुल सा पैटर्न आप डाल सकते हो या इसके बदले में आप कोई भी पैटर्न डाल सकते हो, या आप बिगिनर हो तो सिंपल डबल क्रोशिया का डबल कलर में ये लाइट और एक डार्क का पट्टी भी आप बनाते जा सकते हो। लेकिन आप इस पैटर्न का टेक्सचर देखिए, बहुत ही सुंदर से लगने वाला एक पैटर्न है। एंड बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये था वीडियो ट्यूटोरियल। अगर आपको ये मेरा वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आता है तो जरूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन टू नोटिफाई माय न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी तरह से नए नए पैटर्न के डिजाइन एंड प्रोजेक्ट्स मेरे चैनल पे हैं। प्लेलिस्ट चेक करना ना भूलिएगा मेरे चैनल पे, शायद आपको कुछ वीडियो पसंद आ जाए तो ही आप सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।